जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला क्लास। वैसे तो मैंने अपने असाइनमेंट से टाइप टू से स्टार्ट किया है, क्योंकि पढ़ने में मजा लाना था और ये साबित करना था कि सीआई से आसान और इंटरेस्टिंग कोई मैथ का चैप्टर ही नहीं है। और ऐसा साबित करने में मैं बहुत हद तक सफल हो पाया हूँ, आप कमेंट जरूर करिएगा। आज इसका लास्ट टाइप है, टाइप आठ। लेकिन इससे पहले मैं दो टाइप, टाइप एक और टाइप एक का ए छोड़ चुका हूं, जिससे आपको डर लगता है, लेकिन उसको भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाने वाला हूं। तो आज हम लोग टाइप आठ देखेंगे। यदि असाइनमेंट के आधार पर देखा जाए तो टाइप आठ में मात्र 3 क्वेश्चन है, और अलग से इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, सिर्फ वही 3 क्वेश्चन को हॉट ट्रिक से बताऊंगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन 7 वर्ष 9 वर्ष 27 वर्ष 25 वर्ष 13 वर्ष 15 वर्ष, लेकिन हम लोग बिल्कुल सेकेंडम बनाने के लिए सीखेंगे। और कम से कम 6-6 बार बना लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल मेंस में और पीटी में पूछा गया है, और रेलवे में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। इसी प्रकार के प्रश्नों के तलाश में रेलवे हमेशा लगा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, बिना एक सेकंड स्किप किए आप जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं टाइप 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से। आप क्वेश्चन तो देखते ही बड़ा है, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 3903 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में ए का भाग 9 वर्ष के अंत में बी के भाग के बराबर है। 7 वर्ष के अंत में ए के भाग और 9 वर्ष के अंत में बी के भाग के बराबर है। तो बोल रहा है बी का वर्तमान भाग क्या है। बोलिया कि सर जी 2 वर्ष 3 वर्ष में तो सीआई निकालने में डर लगता है। डर नहीं लगता, आपके माइंड में रॉन्ग नंबर है। देखिए कैसे नहीं डर लगता है। तो ये तो 7 वर्ष 9 वर्ष है, और डरिएगा, जबकि कितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। देखिए बहुत ही आसान से, बस शुरू वाला में सीखना है, उसके बाद आप 4-5 सेकंड में ही इसको बना लीजिएगा। 3903 को 2 भागों में बांट दिया है, ब्याज की दर है 4% दोनों के लिए। 7 वर्ष में ए का भाग और 9 वर्ष में बी का भाग आपस में बराबर हो जाता है। ये नहीं बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है, हालांकि ऐसा हम लोग साधारण ब्याज में भी बताए थे कि ब्याज बराबर हो तो ब्याज को उलट के रेशियो निकाल देना है, और मिसधन बराबर हो तो मिसधन के उलट के। लेकिन यहाँ उससे भी आसान तरीका बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि 7 वर्ष में ए का भाग 9 वर्ष में बी का भाग आपस में बराबर हो जाता है, मतलब मिश्रधन बराबर होता है। अब बोलिए सर इसको कैसे निकालें, तो सीखते हैं। यदि आप ए का मूलधन को ए ही रहने दे और बी को बी ही रहने दे, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। एकदम बढ़िया से बारीकी से समझिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, और स्टूडेंट को दोस्त को बताइए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए यदि मिश्रधन को ए माना जाए, मिश्रधन को ए माना जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, तो ए बराबर होता है पी इंटू 100 + r/100 / n। बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 1 + r/100 होता है, हम डायरेक्ट 100 + r/100 कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, तो यहाँ हम लोग मूलधन को माने हैं कितना, ए। तो मूलधन को ए, तो पी के जगह पर ए लिखेंगे, इनटू आर का परसेंट है 4%, तो 100 + r यानी 104/100 पर पावर कितना, 7। ये मिश्रधन है, उसके बाद में इसका मिश्रधन लिखना रहे, तो बोले सर मूलधन को तो बी ही माने हैं, बी ए रह दीजिए। मूलधन इंटू 100 + r, तो r तो वही है 4%, तो 104/100 पर पावर n, मतलब 9 वर्ष। आई दोनों आपस में बराबर है। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि 7 वर्ष में ए का भाग और 9 वर्ष में बी का भाग आपस में बराबर है, मतलब ए का जो मूलधन है उसके 7 वर्ष का मिश्रधन और बी का जो मूलधन है उसके 9 वर्ष का मिश्रधन आपस में बराबर है। और सीआई में मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 100 + r/100 / n। बचपन से पढ़ रहे हैं, 7-8 क्लास से आपको जरूर याद होगा। तो बस वही दोनों बराबर कर दिए हैं। आप क्या करेंगे, 26 चौके 25 चौके 26 चौके 25 चौके। अब ऐसा करते हैं, हमें ए अनुपात बी चाहिए, चूंकि बराबर है तो बी को इधर लाएंगे, तो ए बटा बी, और उधर से 26/25 / 9 है, और इधर से 26/25 / 7 उधर जाएगा। तो देखिए मैं लिख के भी बताता हूँ, 26/25 / 9 और नीचे में जाएगा 26/25 / 7, क्योंकि बी को इधर लाया तो भागा, आइए जो 26/25 / 7 बचा उधर जाएगा। अब बोलिए कि सर पावर है तो इस 7 से कट जाएगा, पूरे यहाँ पर पावर 2 बच जाएगा, जैसे ए पर पावर 9 और नीचे में ए पर पावर 7, तो 7 को कट जाएगा, 2 ही को ना बचेगा, यानी फाइनली बचा ए बटा बी बराबर
26/25 के स्क्वायर यानी ए अनुपात बी बराबर 676:625। सोचिए कितना आसान से रेशियो आ गया। इसको और छोटा करके बताएंगे, ये तो मैं तो सिखाने के लिए लिखा रहा हूं, इसको छोटा और कैसे करेंगे जरूर आप देखिए। अब आराम से हमने रेशियो लिख लिए, अब तुलना गुना कर दीजिए। ए और बी के भागों का अनुपात है 39:03। अब आप क्या किए, जोड़ दीजिए। तो बोले सर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 5, 11 के 1 बचा 1, 7, 2, 9, 1, 10 के 0 बचा 1, 6, 6, 12, 1, 13। टोटल 3903 है दोनों का भाग, रेशियो के अनुसार दोनों का भाग है 1301। रेशियो का नियम क्या जानते हैं, जो दिया रहे उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। तो आराम से क्या पूछ रहा है, किसका भाग, बी का भाग, तो बी वाला से गुणा 625 से। काटेंगे इससे तीन बार में कट जाएगा, काटिए ना, 33, 39, 3, 1, 3 कट गया, 3 से गुना करेंगे, 6, 18, 25, 75। हम लोग का आंसर हो गया 18, 75। आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन 18, 75 ऑप्शन नंबर सी। आइए पहला क्वेश्चन को ही देखते हैं हॉट ट्रिक से, वो तो मैंने आपको सिखा दिया दोबारा तेबारा क्लियर करके, लेकिन इसको जल्दी बनाना है तो जरा क्लीन से देख लेते हैं हॉट ट्रिक से कैसे बनेगा इतना बड़ा क्वेश्चन 7 वर्ष 9 वर्ष का, 5 सेकंड में मैंने बोला है तो कैसे बनेगा। तो सिंपल है, 3903 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में ए का भाग 9 वर्ष के अंत में बी के भाग के बराबर है। तो जैसे ही बोला ए और बी बराबर है तो कन्फर्म है ए और बी का रेशियो निकलेगा, निकलेगा तो ए और बी, अब आर कई परसेंट दर है 4%, तो हम सभी जानते हैं 100+R/100 होता है, तो 104/100 और 7 वर्ष है और 9 वर्ष है, दोनों का अंतर कई वर्ष है, 2 वर्ष, क्योंकि कन्फर्म है लेफ्ट राइट होगा तो कट ही जाएगा, तो बस पावर दो, 26 चौका 25 चौका, कन्फर्म हो गया ए और बी का अनुपात 676:625। कितना समय लगा, कुछ नहीं, बस तुलना गुना कर देने हैं, कितना है 39:03, यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 1301, और निकालना है बी का भाग, तो बी का भाग 625, काटिए कई बार में, 3 बार में, 6, 18, 75 आपका आंसर हो गया। सोचिए कितना आसान है सेकंडों में, ये तो मैंने आपको समझाने में लगा है, 5 से 6 सेकंड में आप इजी वे में इसको बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जितना दर है 100 उतना जोड़ के 100 में नीचे 100, अजय का अंतर रह गया ना दोनों में उतना पावर, क्योंकि ऑलरेडी कट जाएगा, लैंग्वेज में भी देख लिए, क्लियर समझ में आया आपको, दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जरूर बनाना है, क्लियर है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइए एकदम हॉट ट्रिक से बताऊंगा, ज्यादा लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 नंबर मजे से पहले पढ़ लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपया, 84,100 उसका बचत था, ठीक है, मैं 50% अपनी पत्नी को दे दिया, दे दो भाई 50%, इसका 50% आधा हो जाएगा, मतलब पत्नी को दे दिया तो इसमें से 84,100 में 42,050 रुपया घटा देते हैं, तो शेष उसके पास कितना बचेगा, तो बोले सर 42,050 रुपया उसके पास बच जाएगा, ठीक है ना, आधा करेंगे 84,100 का तो 42,050। अब इसको क्या किया, शेष राशि क्रमशः 15 और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी, उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु के होने पर 5% की दर से ए और बी में विभाजित किया, 5% है, एक बेटा है 15 वर्ष के, एक बेटा है 13 वर्ष के, अंतर दुए वर्ष के ना है, यदि दोनों 18 वर्ष के भी हो जाएगा तो भी, मतलब 18 वर्ष होने पर, तो 15 वर्ष वाला को 18 वर्ष होने में 3 वर्ष और 13 वर्ष वाला को 18 वर्ष होने में 5 वर्ष, फिर भी अंतर तो दुए वर्ष का रहेगा, इसलिए अंतर खाली ध्यान रखना है। तो बोला उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि पुत्र 18 वर्ष की आयु के होने पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशि प्राप्त करे, फिर तो वही बात है, बराबर बोल दिया है, तो बी का शेयर कितना है, मतलब बी का हिस्सा कितना है, बोलिए सर ए बटा बी लिखिए, 5% है 105/100 लिखिए, 15 वर्ष 13 वर्ष है, 2 वर्ष का अंतर है 2 लिख दीजिए, 21/5 और 20/5, यानी कन्फर्म है ए अनुपात बी हो जाएगा, 21 के स्क्वायर और 20 का भी स्क्वायर, तो 21 के स्क्वायर 441:400, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आराम से आ जाइए, बोल क्या रहा है,
तो बोल रहा है हम लोग का कि बताइए बी का शेयर। तब बोलिया कि सर जी आपका टोटल धन में से आधा तो पत्नी को दे दिया गया था, तो 42,050 बच रहा है और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 448 बच रहा है। निकालना किसका है? तो बी का शेयर यानी बी का हिस्सा निकालना है। तो 400 से यदि ए का पूछता तो 441 से तो 400 से काट गुना कर दीजिए, काटिए, 8 × 5 = 40 होता है, 41 × 5 = 205 होता है, यानी कन्फर्म है 5 बार में कटेगा, एगो जीरो है 50 बार में, गुना करेंगे 5 × 4 = 20, अब 20 पर 3 शून्य और देंगे यानी कन्फर्म है बी का शेयर हो गया 20,000। कितना आसान से बना और कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने में कहानी के जैसा, आप सोच नहीं सकते हैं। कुछ नहीं किए, पहले जितना था उसको आधा पत्नी को दे दिए, जो आधा बचा ए और बी में बांटिए, दोनों एगो 13 वर्ष एगो 15 वर्ष के अंतर, 2 ही वर्ष होगा, ठीक है ना। तो आराम से ए बटा बी 5% 105/100, 2 वर्ष का अंतर है, 2-3 वर्ष का अंतर रहेगा 3, पावर कर दिए ए बी का रेशियो 441:400। बाकी काम रेशियो का है जो आप बेहद अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। आपका आंसर हो गया 20,000, ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको पढ़िए, 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिले। तो बड़े भाई का हिस्सा क्या? बोले सर फिर तो वही बात है, देखिए 27 वर्ष ये है एक और एक 25 वर्ष है, तो दोनों में अंतर तो 2 ही वर्ष का ना है। 40 वर्ष पूर्ते पूर्ते 40 वर्ष की आयु होते होते इसको लगेगा 13 वर्ष और इसको लगेगा 15 वर्ष, यानी ये कहना चाह रहा है कि 13 वर्ष का और इसका 15 वर्ष का आपस में बराबर, तो यहाँ भी तो अंतर 2 ही वर्ष का ना होगा, तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है 40 वर्ष से, अंतर तो 2 ही वर्ष हो रहा है, तो हमें तो सिर्फ अंतर से मतलब है। तो ऐसा करते हैं बड़ा भाई बड़ा और बटा छोटा लिख देते हैं। अब आराम से आ जाइए, कह रहा है क्या कि 5% है ब्याज की दर, कितना परसेंट है 5%। तो फिर से बोलिए सर वही 105/100, अंतर तो 2 ही वर्ष का है, तो आराम से स्क्वायर कर देंगे 21/25/20/25, यानी बड़ा अनुपात छोटा यदि किया जाए तो हो जाएगा 21 × 441/400, वही रेशियो आ गया सेम। अब कह रहा है क्या बड़े भाई का हिस्सा कितना है? तो बोलिया कि सर 16,820 टोटल राशि है, 16,820 यहाँ टोटल जोड़ा जाए तो 448/141 होगा। बड़ा भाई पूछ रहा है तो 441 से गुना करेंगे, काट देंगे 841 × 16 = 82 यानी 20 बार में, इसको गुना करें तो एगो 0 × 2 = 2 = 44 × 2 = 88 यानी 88/20 आ जाएगा बड़ा भाई का हिस्सा। कितना आसान से बन गया और कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आप खुद सोच सकते हैं। कुछ नहीं करना था, केवल दोनों तरफ का बराबर करना था, और वो भी बराबर कैसे करना था, सिर्फ जितना अंतर है पावर उतना 100 में आर को जोड़ के कर देना है, रेशियो निकालना है, तुलना गुना करना, यही तो रेशियो का नियम है, आप सभी पहले से अवगत है, क्लियर हो गया 100% आप जान रहे हैं। अब आपसे बनेगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए, समझिए सीआई खत्म ही है। अब मजा आएगा टाइप 1 और 2 पढ़ने में, लेकिन टाइप 1 और टाइप 1 का ए जिससे आप डरते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2 वर्ष और 3 वर्ष का अलग अलग 2 वीडियो छोटा छोटा दूंगा, जिसमें आपको पूरा याद करवा दूंगा कि 2 वर्ष 3 वर्ष 2.5 वर्ष 1.5 वर्ष का हम लोग कैसे एकदम डायरेक्ट देखते ही निकाल सकते हैं, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा, कितना भी कैलकुलेशन हार्ड रहे आपसे बनेगा। इसलिए उस वीडियो का इंतजार करिए और इस वीडियो को जम कर शेयर करिए, लाइक करिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।